की जैसे भी पाकर बात करें थे, पूरे वर्ल्ड में 521 मिलियन टन धान पैदा होते हैं और जो खपत है वो 520 मिलियन टन की है। जो हमारा स्टॉक है एमरजेंसी के लिए पूरे वर्ल्ड में 167 मिलियन टन, मेरे को ये समझ में नहीं आ रही गवर्नमेंट धान के आगे इसमें क्यों है। जो सारी कोशिश करने के बाद भी धान के एरिया हमारा बढ़ रहे हैं, किसी भी चीज पर हम बैन करते हैं ना तो उसको ज्यादा लोग भाग उगाते हैं। हमें प्रमोट करना चाहिए फार्मर्स को कि भी धान पैदा करिए जो ठीक है। और जहां तक हमारी समस्या पानी की, वो पहले भी सुझाव दिया था मुख्यमंत्री को कि अभी आप ड्रिप सिस्टम पर आइए, ड्रिप जो है 7 सेंटीमीटर पर जो है प्रोविजन करिए, वो आज तक जो है अभी अप्रूव नहीं हुआ है, हो सकता है हो जाए ठीक है। उसमें आपका खाद भी बचेगा पानी भी बचेगा ठीक है। बकाने की डिजीज जो आपकी जो है आपके सिरसा में बहुत बुरी तरह आई हुई थी, आपके पास मैक्सिमम एरिया डी एस आर है, एक एक फार्मर 50-50 एकड़ में डी एस आर कर रहे हैं। अभी आते हुए मैं निडाना में गए थे किसी फार्मर के पास, पिछले साल उसकी जो है पैदावार थी 24.2 क्विंटल एक एकड़ में डी एस आर से, और जो ट्रांसप्लांटेड थी उसकी 19 क्विंटल थी ठीक है। वो फार्मर से भी कोई भी पूछ सकता है, करावड़ी के पास में है निडाना गांव। तो जब सारे हमें बेनिफिट मान रहे हैं, पहले हमारे पास समस्या थी कि हमारे पास हर्बी साइड नहीं थे, अब हमारे पास हर्बी साइड भी है। जो धान की खेती में अगर कोई रुकावट थी वो हर्बी साइड की थी, वो आप हमारे पास हैं ठीक है। आपकी खाद बचेगी जो ना, आप जो ना फास्फोरिक एसिड उसको दे सकते हो, सिर्फ 10 किलो लगेगा। आप डीएपी लेते हो तो जो ना 1200 रुपये कट आएगा, वो 10 किलो आपका 1000 रुपये का आएगा, वहाँ भी सेविंग है। 30-40% आपके जो यूरिया जो आपके ड्रिप के माध्यम से दोगे वो आपका बचेगा जो ना। तो मेरे हिसाब से तो ये है कि जो ट्रांसप्लांटेड धान को बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को, डीएसआर करना चाहिए जो ना, उसमें जमीन की जो फिजिकल हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, और एक बढ़िया भी जो ना माइक्रोब्स पर बात करें, माइक्रोब्स की जो है पॉपुलेशन बढ़ती घटती रहती है। जब फसल आपकी पकड़ने की तरफ जाती है तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाती है। हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं तो माइक्रोबियल पॉपुलेशन एक बार कम होकर दोबारा कर वापस आ जाती है, तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। माइक्रोब्स की पॉपुलेशन कितनी कितनी नहीं है, मेन ये है कि अभी आपने पानी बचाना है, आपकी जमीन बचानी है, और उसमें डीएसआर आपका मदद कर रहे हैं ठीक है। मैक्सिमम एरिया सिरसा में डीएसआर में जो, और हो सकता है जो आपके टारगेट्स हैं उसको भी एक्सीड कर जाए। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट के पास ना पैसा भी है या नहीं है जो ना, क्योंकि कई बार फार्मर की ये शिकायत रहती है कि हमें डीएसआर को पैसे नहीं मिले जो ना। और दूसरा डॉक्टर ने बताया दिया था अभी जो ना है कि पैसे का जो बीज सारे फार्मर कंप्लेन करके बहुत लेट मिला, वो कहते हैं सारा सरकार का महकमा ये होता है, स्कीम बड़ी होती है लेकिन टाइम पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है ठीक है। दूसरा ये था कि फार्मर्स के लिए जो कॉस्ट तो आती है, चाहे मशीनरी हो या और कोई चीज़ हो, उस पर जीएसटी सिर्फ 5% होना चाहिए जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, न कि 12% जो है। अगर ये सुझाव गवर्नमेंट मानती है तो फार्मर्स की जो है ना हेल्प हो जाएगी। शुरू कर धन्यवाद।